जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल में। दोस्तों अगर आप SSC GT कॉन्स्टेबल 2018 के अभ्यर्थी हो, दोस्तों यहाँ पर हम आपको ये बताने वाले कि इस बार की जो फाइनल कट ऑफ आपकी वो कितनी रहने वाली है और कब तक आपका रीमेडिकल शुरू हो जाएगा और आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करें तो वो कितनी बढ़ने वाली। जी हाँ दोस्तों, आप कितने नंबर आपके बन रहे तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो, मतलब इस बार आपका SSC GT कॉन्स्टेबल 2018 में भर्ती होने का सपना पूरा हो जाएगा। साथ में बहुत सारे दोस्त बार बार कमेंट करते रहते कि सर ये भर्ती प्रक्रिया है ये कब तक पूरी होगी, साथ में कितने नंबर पर कौन सी वैकेंसी मिलेगी और क्या हम इस भर्ती का इंतजार करें या नहीं करें, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों होना भी चाहिए। लंबे समय से आप इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो, 2018 में आपकी ये भर्ती आई थी और आज 2020 चल रहा है। जी हां दोस्तों, 2020 चल रहा है तो आपको इंतजार है, लगभग 2 साल आपको स्ट्रगल करते हो गए, तो यहां पर आपकी भर्ती प्रक्रिया को और कितना टाइम यहां पर लगेगा, कितने नंबर आपको बन रहे और आप मेडिकली फिट हो तो आपको यहाँ पर SSC GT कॉन्स्टेबल 2018 में सिलेक्शन का पूरा पूरा मौका मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाले। दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला, आप वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, साथ में वीडियो लाइक जरूर कर दे और चैनल पर आप नए हो तो चैनल भी जरूर जरूर सब्सक्राइब कर, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको SSC GT कॉन्स्टेबल 2018 से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आपका रीमेडिकल कब तक होगा। दोस्तों जैसा कि SSC ने एक नोटिस भी पहले जारी किया था जिसमें COVID-19 महामारी को देखते हुए जब तक आपके ट्रेन सेवा, बस सेवा, जी हाँ दोस्तों ट्रेन, बस सेवा और एयर सेवा शुरू नहीं होगी तब तक आपका रीमेडिकल शुरू नहीं होगा। चाहे लॉकडाउन आपका हट जाए, अगर आपके परिवहन के साधन नहीं चलते तब तक आपका रीमेडिकल शुरू नहीं होगा, ये SSC ने साफ साफ पहले ही बता दिया। तो यहाँ पर आपका रीमेडिकल होने के चांसेस है दोस्तों जून या जुलाई तक। जी हाँ दोस्तों, या तो आपके जून में शुरू हो सकते हैं या फिर आपके जुलाई में, और कम से कम आपके 1 महीना रीमेडिकल में आपका लगने वाला है। बहुत सारे दोस्तों के पास में रिजेक्शन स्लिप आ चुकी है, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनकी रिजेक्शन स्लिप अभी आना बाकी है क्योंकि इतने दिन पोस्ट ऑफिस आपके बंद थे, तो यहाँ पर आपकी डाक के द्वारा ये आती है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के फिर से जैसे ही डाक पोस्ट ऑफिस खुले हैं वैसे ही उनके घर पे रिजेक्शन स्लिप भी आना शुरू हो चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों इस बार की फाइनल कट ऑफ की, आखिर फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है। दोस्तों इस बार की भर्ती 2018 और 2015 की जो SSC GT कॉन्स्टेबल की भर्ती में काफी अंतर आपको देखने को मिलेगा। 2015 की भर्ती प्रक्रिया कुछ अलग प्रकार से थी और 2018 की भर्ती प्रक्रिया कुछ अलग प्रकार से थी। सबसे पहले यहाँ पे रिटर्न करवा लिया गया, फिजिकल बाद में करवाया गया, उसके बाद मेडिकल करवाया गया, तो यहाँ पर आपकी फाइनल कट ऑफ इसकी ज्यादा नहीं बढ़ने वाली क्योंकि दोस्तों आपकी भर्ती प्रक्रिया अब लास्ट चरण में है और ज्यादा अभ्यर्थी नहीं बचे। बहुत सारे स्टेट तो आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां पर फाइनल कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाली है, मतलब आपकी जो पहले की मेडिकल वाली कट ऑफ है उसको आप फाइनल कट ऑफ मान के चल सकते हो। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे भी है जहां पर बहुत अच्छे अभ्यर्थी हैं जिनका फिजिकल स्ट्रोक बहुत अच्छा है और फिजिकल में बहुत ज्यादा क्वालिफाई हुए और मेडिकल में भी अच्छे क्वालिफाई हुए, तो उन स्टेटों की बात करें जैसा कि राजस्थान, हरियाणा, यूपी, MP, पंजाब, इनकी अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी फाइनल कट ऑफ ज्यादा से ज्यादा दोस्तों 1 नंबर बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, 1 नंबर भी अगर आपके ज्यादा बन रहा है तो आप अपने को इस बार सेफ मान सकते हो। फीमेल की बात करें तो फीमेल के अगर मेडिकल फिट है तो उसका इस बार 100% सिलेक्शन होने के चांसेस है। तो दोस्तों बहुत सारे दोस्त कमेंट करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि सर इंतजार करें या नहीं, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो दोस्तों मैं बता देता हूं आपका सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस है इसमें, क्योंकि इसमें ज्यादा अभ्यर्थी अब नहीं बचे। मेडिकल में बहुत ज्यादा अभ्यर्थियों को इस बार बाहर किया गया है, पहली बार इतनी रिजेक्शन स्लिप्स पहली बार देखने को मिल रही है। 2015 की भर्ती में जितने भी कैंडिडेट थे जिन्होंने रीमेडिकल के लिए अपील की थी उन सभी का रीमेडिकल हुआ था, लेकिन इस बार बहुत सारे अभ्यर्थियों को डायरेक्टली रिजेक्शन स्लिप दी जा रही है, मतलब उनको रीमेडिकल के लिए भी नहीं बुलाया जा रहा है। तो दोस्तों आपकी फाइनल कट ऑफ बिल्कुल नहीं बढ़ने वाली है क्योंकि पहले भी आपके मेडिकल में जब आपका DME हुआ था उस टाइम भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को बहुत सारे सेंटरों में 70% तक अभ्यर्थियों को मेडिकली अनफिट किया गया, और अगर रीमेडिकल में पास होते हैं तो भी ज्यादा, अगर इजी से इजी होगा तो भी 50% से ज्यादा रेशियो नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों आपके ज्यादा अभ्यर्थी नहीं बचने वाले, तो इस बार की जो फाइनल कट ऑफ है वो ज्यादा नहीं बढ़ने वाली है। आप घबराए नहीं, बिल्कुल अच्छे से आप अगर किसी अदर एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते तो आप जरूर
करें, लेकिन इसमें आपका सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस है। और साथ में बता देता हूँ दोस्तों, अभी एसएससी इसमें वैकेंसी भी इंक्रीज कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया, लेकिन एसएससी कर सकती है। अगर इससे रिलेटेड कोई अपडेट आएगी तो हम फिर से आपके सामने वीडियो लेके आने वाले थे। दोस्तों ये थी मेरे द्वारा दी की छोटी सी जानकारी, आशा करता हूँ दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा।